नेशनल कॉन्फ्रेंस महिला विंग के राज्य उप प्रधान पूर्व MLC विमला लथुरा की अध्यक्षता में बुधवार को मेरा साहिब क्षेत्र के गांव कोटली मियां फतेह में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में महिलाओं ने हिस्सा लिया। बैठक के दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रांतीय अध्यक्ष रतन लाल गुप्ता मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। फैसला लिया था कि हम लोग ग्रास रूट लेवल तक जाएंगे और वहाँ लोग जिन परेशानियों से, जिन दुखों से, जिन तकलीफ़ों से जूझ रहे हैं, उसका हम जब वहाँ जाके जायज़ा लेंगे और उसके लिए हम आवाज़ उठाएंगे। आज उसी सिलसिले में यहाँ कोटली मियां फतेह यहाँ आए हैं हम, और ये बॉर्डर का इलाका है और बॉर्डर के लोगों को जो परेशानियाँ थी यहाँ पर इन्होंने बताई हैं। यहाँ बिजली की बहुत बड़ी परेशानी है, 10-10 घंटे, 8-8 घंटे, 10-10 घंटे पे ये कट लग रहा है, अनशेड्यूल है, कोई शेड्यूल नहीं है। आज ये दूसरी पानी की बहुत बड़ी किल्लत जहाँ इस इलाके में चल रही है, इरीगेशन का सिस्टम आपके सामने ही है, आप डिस्पेंसरियों की हालत देखिए, बड़ी बुरी हालत है, और महंगाई किस कदर है, ये लोग परेशान हैं। और सबसे बड़ी बात इनके बच्चे, जो बॉर्डर के बच्चे, जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, इनको कई लारे दिए गए। ये सरकार ने कहा कि हम बॉर्डर की बटालियन खड़ी करेंगे, लेकिन जो बटालियन खड़ी करने के लिए भी उसके इंटरव्यू हुए, सब कुछ हुआ, आज वही बच्चे जो हैं दर बदर हो रहे हैं, और उन्होंने इंटरव्यू भी दिए, लेकिन वो जो तमाम नोटिफिकेशन थे वो कैंसिल कर दिए इन्होंने, और नए नोटिफिकेशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि इनके, इन बच्चों के साथ ये बहुत बड़ा धोखा हुआ है, और इन बच्चों को ऐसे ही CRPF की यहाँ पे काफ़ी लोगों को ट्रेनिंग भी करनी जानी जाना था, उन्होंने यहाँ सिलेक्शन भी होनी थी, लेकिन वो भी वैसे का वैसा ही रहा। और बॉर्डर के लोगों की अपनी जो परेशानी है वो आपके सामने है, इन लोगों ने बहुत ही परेशानियाँ बताई हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अनएम्प्लॉयमेंट, जो जैसे मैंने पहले कहा कि यहाँ के बच्चे जो हैं बड़ी परेशानी की हालत में हैं, बड़े दुख की बात यह है कि डेली वेजर जो है वो आज भी आपने देखा सड़कों पर किस कदर लाठी चार्ज हो रही है, और हम उस जो कल उन्होंने लाठी चार्ज किया हम स्ट्रांगली कंडेम करते हैं। जिनको आप रेगुलराइज नहीं करना चाहते उनको आप लाठी मार रहे हैं, कि जख्मी हालत में बेचारे हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ी दुख की बात है, इनको उनको फौरी तौर पे रेगुलराइज करना चाहिए, जो नौकरियाँ वैकेंसीज हैं उनको वैकेंसीज को पूर्व करना चाहिए। अब भारत के प्रधानमंत्री यहाँ तशरीफ ला रहे हैं, हम उनका स्वागत करते हैं, लेकिन उनको सिर्फ एक पंचायत पली देख के ही ये बात नहीं समझनी चाहिए कि जम्मू कश्मीर के हालात ऐसे ही होंगे। बाकी हज़ारों जो हमारी पंचायतें हैं उनकी हालत देखिए, आज उन सरपंचों की हालत देखिए, जो ब्लॉक प्रेसिडेंट हैं, जो ब्लॉक के BDC के चेयरमैन हैं उनकी हालत देखिए, आप DDC के जो हमारे मेंबर हैं, जो DDC के हमारे चेयरपर्सन हैं उनकी हालत देखिए। हम, मैं हर गांव-गांव, हर गली गली, कूचे-कूचे में जा रही हूँ, इसलिए जा रही हूँ कि ये जो BJP ने, मोदी साहब ने झूठे वादे, झूठे शोर शराबे, जो रैना साहब भी छोड़े हुए हैं, वो लोगों के साथ इतनी बेवकूफ़ी से झूठ बोल रहे हैं, जिनका मुद्दा ही कोई नहीं, हम दे दे रहे हैं, वो दे रहे हैं। आज के वक्त, कल मैं सिंबल में गई थी, वहाँ क्या हो रहा था, नौजवान बच्चे पढ़े लिखे डिग्रियाँ हासिल करके ताश खेल रहे थे, नशे के शिकार हैं, उनकी माता बहना कहती हैं हम क्या करें, बच्चों को कैसे बिठाएं, कहते घर में बैठ के क्या करें, या कोई खा के कहते मैं जहर खा के मार दूंगा, कोई कुछ कहता है, हम यही चाहते हैं बेरोजगारी ख़त्म करो, महंगाई ख़त्म करो, और ईमानदारी से चलो, हर वक्त जो कोई उठता है वफादारी से काम करने के लिए, कोई भी पार्टी है, मोदी साहब उसे नीचे गिराने की कोशिश करते हैं, ये बातें मत करो। अगर आपने अभी तक जेके खबर नाउ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए, और ताज़ा तरीन खबरों की जानकारी के लिए www.jkekhabarnow.com पर देश दुनिया की खबरें भी आप देख सकते हैं।